हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को एक वायरस के बारे में बतला रहे हैं। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का शुरुआत चाइना से हुआ, अभी बहुत सारे देशों में फैल रहा है, अभी हिंदुस्तान में भी फैल गया है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का जो मेन सिम्टम है, वैसे पहले आप उसे जान जाएँ तो कोरोना वायरस का मेन जो सिम्टम है, सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द, हाई फीवर, नाक से पानी चलना, गले में दर्द, बदन में दर्द, हाथ पैर में दर्द, ये सब मेन सिम्टम है कोरोना वायरस का। तो ये सब फर्स्ट स्टेज का सिम्टम है और इसे आप तुरंत इलाज करें। अगर आप नहीं आप इलाज तुरंत कराते हैं तो सांस में तब्दील हो जाता है, तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें तब्दील हो जाने के बाद आपको रेस्पिरेशन में भी दिक्कत होगी, निमोनिया हो जाएगा, किडनी फेलियर से संभावना बढ़ जाती है और पेशेंट का मौत हो जाता है। तो कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसका आप बचाव इससे आप कैसे कर सकते हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा ना जाएं, अगर काम रहे तो जाएं और मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, आप अपने पैकेट में सैनिटाइजर रख सकते हैं, अगर वैसा कुछ चीज़ आप उठाते हैं तो हाथ में थोड़ा लगा लें, उसके बाद कुछ खाना खाएं। अगर घर में किन्हीं लोगों को कोरोना वायरस का जो सिम्टम जो आप लोगों को पता है उसे अगर फैलता है, उसे अगर आ गया है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा अलग खान पान कर दें, अलग बर्तन कर दें, अलग कपड़ा उसका रखें, अलग बेड रखें और उसे तुरंत आप डॉक्टर से जा कर के दिखाएं। तो सतर्कता ही बचाव है। तो कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी के साथ अन्य देशों में फैल रहा है और सावधानियां ही इसका मेन बचाव है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फिर आप लोगों को बताते हैं ना जाएं, ज़रूरत पड़े तो जाएं, ग्लव्स मास्क लगा कर कहीं जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये सब मेन मेन चीज़ है। बाहर का खाना ना खाएं, मांसाहारी भोजन ना करें। तो आज आप लोगों को कोरोना वायरस का बारे में बताएं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।